जन प्रतिनिधि ने उड़ाई गाइडलाइन की धज्जियां। सैकड़ों की भीड़ में दिखी विधायक अंबा प्रसाद। कोरोना संक्रमण काल के बीच होली के त्योहार को देखते हुए पूरे झारखंड में सरकार की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए थे। नियमों के उल्लंघन करने पर सजा के भी प्रावधान किए गए थे, लेकिन शायद ये नियम सिर्फ आम जनता के लिए थे, क्योंकि राज्य के विधानसभा की सदस्य अंबा प्रसाद इन नियमों से निर्भीक दिखे। धारा 144 लागू किए जाने के साथ ही साथ डीजे और सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजनों पर भी प्रतिबंध था। इसके बावजूद बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद सार्वजनिक ढंग से होली मनाते दिखे। एक वायरल वीडियो में विधायक सैकड़ों लोगों के बीच मटकी फोड़ती हुई देखी गई। इस वीडियो के वायरल होते ही राज्य के सियासी गलियारों में विपक्ष में बैठी बीजेपी की ओर से बयानों के तीर अब दागे जा चुके हैं। बीजेपी ने बड़का गांव विधायक पर उनके ही नियमों को ताक पर रखने की बात कही है। देखिए, इस सरकार में सत्ताधारी दल के विधायकों और आम जनता के लिए कानून की अलग अलग परिभाषा है, तभी राज्य सरकार ने सब तरीके से सार्वजनिक रूप से होली मनाने पर प्रतिबंध लगा रखा आम जनता के लिए। लेकिन सरकार को समर्थन कर रही कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद जी सार्वजनिक रूप से होली मनाती हैं, सैकड़ों लोगों के साथ वो होली का जश्न मनाते दिखती हैं। ये सुबह की घटना होती है, लेकिन देर रात तक प्रशासन की ओर से कोई FIR दर्ज नहीं किया जाता, तो ये साफ दिखाता है सरकार में एक ही कानून को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि कानून की नजर में सब बराबर है, इसलिए अगर किसी ने भी कानून को तोड़ा है तो उसके खिलाफ अविलंब मामला दर्ज करके कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ये सरकार का देखने का नजरिया बदल जाता है। झारखंड में ऐसी तस्वीर सामने आने लगी है जहां वैश्विक महामारी को भी राजनीतिक मुद्दा बनाकर आरोप और प्रत्यारोप जारी है। बीजेपी की ओर से अंबा प्रसाद पर इल्जाम लगाए जाने के बाद सूबे में सत्ता पक्ष में सहयोगी दल कांग्रेस ने अपने विधायक के बचाव में मुहिम छेड़ दी। कांग्रेस की ओर से अंबा प्रसाद के द्वारा नियमों का उल्लंघन किए जाने के मुद्दे को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए सूबे के कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया। कांग्रेस ने राज्य की कानून व्यवस्था को दुरुस्त बताते हुए बीजेपी को इसकी चिंता नहीं करने की नसीहत दे दी। कि मैंने भी सुना है, देखा नहीं है, आपके मार्फत ही सुन रहा हूँ। कल होली का त्यौहार था। निश्चित तौर पर होली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार होता है जिसमें सारा कुछ भूलकर सिर्फ खुशियाँ और हैप्पीनेस के लिए लोग मिलते हैं और एक दूसरे से जो भी गिलास एक बार रहता है उसको समाप्त करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जनता के द्वारा वहाँ किया जाए, आमजन लोग कर रहे हैं, तो माननीय विधायक अगर उस क्षेत्र की है, अगर वहाँ पर रुक गई थोड़ी देर, तो विपक्ष को इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मैं भी खोजना चालू करूं तो बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बाजा बजा करके नाच रहे थे सड़कों पर, क्या अगर वो माननीय विधायक अगर नहीं रहती तो कहीं संज्ञान में नहीं आता। अगर भाजपा के लोग सड़कों पर नाच रहे थे बाजा बजा करके तो वो अच्छी बात थी। तो कानून व्यवस्था पर सवाल, देखिए कानून व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद है और किसी भी कीमत पर इस गठबंधन की सरकार में कानून के साथ खिलवाड़ कोई नहीं कर सकता। अंबा प्रसाद के द्वारा नियमों को ताक पर रखकर जश्न मनाए जाने के बाद झारखंड की कानून व्यवस्था पर साफ तौर से सवाल खड़े कर रही है। अगर जनप्रतिनिधि सरकार के नियमों को तार तार करेंगे तो फिर आम जनता से उम्मीद ही क्या लगाई जा सकती है।